हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुवर्णा घाटे, लेक्चरर NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे आई एम टीच यू द न्यूमेरिकल ऑन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है ये देखा है। इस वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन द लर्निंग आउटकम इज After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is use single phase transformer for the different application, and the learning outcome understand the single phase transformer and solve numerical on open circuit and short circuit test। तो इस वीडियो में हम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। This is the one numerical on open circuit and short circuit test. A single phase transformer having 50 kVA 24001 volt 50 hertz transformer give the following test result. Open circuit test, जिसको हम बोलते हैं instrument on the LV side, that is 120 volt 9.85 ampere and 396 watt. And the short circuit test, that is instrument on HV side, is 92 volt 20.8 ampere 810 watt। हमेशा आपको याद रखना है ओपन सर्किट में जो लॉसेस होते हैं उसको हम बोलेंगे आयरन लॉसेस, जिसको हम नोट डाउन करते हैं PI से, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो लॉसेस होते हैं उसको हम बोलेंगे कॉपर लॉस, जिसको हम नोट डाउन करते हैं PCU से। अब हमें कैलकुलेट करनी है द इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट। सेकेंड वन इज द इफिशियंसी एट रेटेड KVA एंड पावर फैक्टर रेशियो फॉर 0.8 लैगिंग एंड द वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमें गिवन दिया है KVA रेटिंग इज 50 KVA, V1 इज 2400 वोल्ट, V2 इज 120 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो हमें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के कुछ पैरामीटर्स गिवन है। तो वोल्टेज एट ओपन सर्किट टेस्ट इज 120 वोल्ट, करंट एट ओपन सर्किट टेस्ट इज 9.85 एम्पियर एंड WOC, जिसको हम PI बोलते हैं, दैट इज 396 वैट। वैसे ही हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट के पैरामीटर्स गिवन है VSC, ISC एंड WSC, उसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस। तो हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के कौन से इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट होते हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट है R0 एंड X0 फॉर ओपन सर्किट टेस्ट, एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए होता है R1T, X1T एंड Z1T। तो हमें कैलकुलेट करना है सर्किट कांस्टेंट यानी R0, X0, R1T, X1T, Z1T एंड देन इफिशियंसी एंड परसेंटेज रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप वन में फॉर ओपन सर्किट टेस्ट, तो उसके लिए है R0। तो R0 का फॉर्मूला है VOC डिवाइडेड बाय IOC इंटू cos phi। VOC हमें पता है, IOC हमें पता है, बट हमारे पास cos phi का फॉर्मूला है, लेकिन आपको phi का वैल्यू पता है क्या? हाँ, तो नहीं पता। तो उसके पहले हम फॉर्मूला लगा के ये cos phi 0 कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है WOC डिवाइडेड बाय VOC इंटू IOC। तो WOC है 396, VOC 120, IOC 9.85, ये सारा कुछ डाटा आपको गिवन है न्यूमेरिकल में। तो इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा cos phi 0। सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन लेंगे, 396 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 9.85, सो हमें मिलता है आंसर 0.335। तो हमें cos phi 0 मिल गया 0.335। तो हमें सिंगल phi 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, cos को इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.335। तो हमें मिलेगा एंगल, तो cos इनवर्स लेने के लिए शिफ्ट दबा के कॉस की बटन प्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स
0.335 तो हमें एंगल मिलेगा दैट इज 70.42। तो हमें 50 की वैल्यू मिली 70.42 डिग्री। देन अब हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा, R0 मिलेगा। सो VOC डिवाइडेड बाय IOC इंटू cos 50, VOC इज 120, IOC इज 9.85 इंटू cos ऑफ 50 70.42। पुट दिस इन कैलक्युलेटर, सो 120 डिवाइडेड बाय 9.85 इंटू cos ऑफ 70.42, देन प्रेस इज इक्वल टू, देन हमें आंसर मिलता है 36.35। और यहाँ पे 5 होने की वजह से यहाँ पे एक डिजिट ऐड हो जाएगा, दैट इज 36.36 ओहम। 35 लो या 36 लो, इट इज अप्रोक्सीमेटली एक ही है। तो हमें R0 की वैल्यू मिलती है 36.36 ओहम। अब हम देखेंगे X0 के लिए। X0 के लिए फॉर्मूला क्या है, VOC डिवाइडेड बाय IOC इंटू साइन फाइव। आप लोगों को पैरामीटर्स तभी कैलकुलेट करते आएंगे जब आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होना जरूरी है। सो VOC ओपन सर्किट के लिए वोल्टेज है 120, ओपन सर्किट के लिए करंट है 9.85 इंटू साइन ऑफ 70.42। पुट दिस इन कैलकुलेटर सो यू गेट द आंसर ऑफ X0। सो 120 डिवाइडेड बाय 9.85 इंटू साइन ऑफ ब्रैकेट में डालेंगे 70.42, देन इज इक्वल टू 12.93 ओहम। अब हम देखेंगे फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट कॉन्स्टेंट R1T, Z1T एंड X1T। R1T इज WSC डिवाइडेड बाय ISC स्क्वेयर, Z1T इज VSC डिवाइडेड बाय ISC एंड X1T इज अंडर रूट ऑफ Z1T स्क्वेयर माइनस R1T स्क्वेयर। सो R1T के लिए फॉर्मूला, WSC की वैल्यू 810 डिवाइडेड बाय ISC की वैल्यू 20.8 स्क्वेयर। पुट दिस इन कैलकुलेटर सो आपको आंसर मिलेगा 1.872। तो हम कैलसी में पुट करके देखेंगे, दैट इज 810 डिवाइडेड बाय 20.8 स्क्वेयर, सो हमें आंसर मिलता है 1.872। फिर हम देखेंगे Z1T के लिए VSC डिवाइडेड बाय ISC, VSC है हमारा 92 डिवाइडेड बाय ISC इज 20.8, सो हमें आंसर मिलता है 92 डिवाइडेड बाय 20.8, सो इज इक्वल टू की बटन, देन SD की बटन प्रेस करेंगे तो 4.42 ओहम। अब हम वैल्यू पुट करेंगे X1T में, दैट इज द अंडर रूट ऑफ Z1T स्क्वेयर माइनस R1T स्क्वेयर। Z1T की वैल्यू है 4.42 स्क्वेयर माइनस 1.872 स्क्वेयर, सो यू गेट द आंसर 4.00। हम कैलसी में पुट करके देखेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4.42 स्क्वेयर माइनस 1.872 स्क्वेयर, प्रेस इज इक्वल टू, देन प्रेस SD, सो यू गेट द आंसर 4.00 ओहम। तो अब हमें मिल गए इक्विवेलेंट सर्किट कांस्टेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी। द फॉर्मूला फॉर द इफिशियंसी इज KVA इंटू 10^3 इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय KVA इंटू 10^3 इंटू पावर फैक्टर प्लस PI प्लस PCU। तो हमें PI एंड PCU की वैल्यू पता है, देन हमें KVA रेटिंग पता है दैट इज 50 KVA, देन हमें पावर फैक्टर गिवन था इफिशियंसी के लिए दैट इज 0.8 लैगिंग। तो यहाँ हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेंगी इफिशियंसी। तो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं कैलक्यूलेटर में। सो हम लेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फंक्शन, सो ब्रैकेट में 50 इंटू 10^3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10^3 इंटू 0.8 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस PI इज 396
plus PCU is 810 into 100. So press is equal to, you get the answer of efficiency is 97.07%. हमें efficiency मिलती है 97.07%. अब हम देखते हैं परसेंटेज रेगुलेशन. तो परसेंटेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला है I1 into R1T into cos phi 0 plus I1 into X1T into sin phi 0 divided by V1. तो हमें I1 की वैल्यू पता है. I1 मतलब हमेशा होता है ISC. तो I1 की जगह पे आपको ISC की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 20.88 into R1T हमने कैलकुलेट किया 1.87 into cos of phi 0 की हमें वैल्यू पता है 70.42 plus अगेन I1 20.88 into X1T की वैल्यू हमें मिली थी 4.00 into sin of 70.42 divided by V1 हमें न्यूमेरिकल में गिवन था. V1 की रेटिंग है 2400 into 100. So put this value in calculator. So you get the answer of percentage regulation. So 20.88 into 1.87 into cos of 70.42 bracket complete plus 20.88 into 4.00 into sine of 70.42 bracket complete divided by 2400. देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तभी हमें रेगुलेशन इन परसेंट मिलेगा, दैट इज 3.82%. तो हमें परसेंटेज रेगुलेशन मिला 3.82. यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है.